नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर पे अगर काली नज़र लग गई है तो ये कैसे पहचाने। दोस्तों, खासकर नए जो मकान बनते हैं उन पे नज़र लगना एक कॉमन सी बात हो गई है आज के दिनों में, और पहले भी हुआ करती थी। खासकर जब आपने बहुत खूबसूरती से मकान बनाया हो, बढ़िया मकान बनाया हो, बड़ा मकान बनाया हो या फिर नया मकान बनाया हो, तो नज़र लगाने वाले, बुरी नज़र लगाने वाले, काली नज़र लगाने वाले बहुत होते हैं। सबसे पहले तो पड़ोसी ही होते हैं जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके मकान के बराबर एक नया मकान बन गया है या उनके मकान के सामने एक नया मकान बन गया है, क्योंकि किसी न किसी वे में वो उस खाली प्लॉट को इस्तेमाल करते रहे होते हैं, या तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, या अपने कुत्ते को पॉटी कराने के लिए, या कूड़ा फेंकने के लिए, या किसी न या सब्जी उगा के खाने के लिए, या अपने नौकरों को वहाँ पे रुकाने के लिए। किसी न किसी वे में जो खाली प्लॉट्स होते हैं, आजू बाजू वाले लोग, सामने वाले लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं और ज़बरदस्ती अपना हक समझने लगते हैं दूसरे की जायदाद पे, दूसरे की ज़मीन पे। ऐसा कई सालों तक चलता है तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारा ही बर्थ राइट हो गया कि हम दूसरे की जगह को पार्किंग के लिए यूज़ करें, कूड़ा फेंकने के लिए यूज़ करें, कुत्ते को पॉटी कराने के लिए यूज़ करें, हर चीज़ के लिए एक यूटिलिटी उनकी हो गई। और दूसरों से यहाँ तक कि झगड़ा कर बैठते हैं, औरों को यूज़ नहीं करने देते, उस पर्टिकुलर किसी और की ज़मीन पर अपना हक जमाते हैं। जब वो इंसान वहाँ पे अपना मकान बनाने के लिए आ जाता है और मकान का निर्माण शुरू कर देता है तो उनकी ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। गाड़ी नहीं खड़ी कर पा रहे, वहाँ कूड़ा नहीं फेंक पा रहे, अपना फालतू घर का सामान वहाँ नहीं डाल पा रहे, अपना घर का वेस्ट नहीं डाल पा रहे, अपने डॉग को शिट नहीं करा पा रहे, किसी भी तरीके से कोई शादी ब्याह है तो जहाँ वो इस प्लॉट का इस्तेमाल टेंट लगा के अपने फंक्शन के लिए करते थे वो नहीं कर पा रहे। तो ये सारे जो उनके मंसूबे होते हैं ये ढीले पड़ जाते हैं, तो उनको ये एक खुंदक चढ़ जाती है, एक बिना बात की एक नफरत पल जाती है उस इंसान के प्रति जो वहाँ मकान बना रहा है। अब भाई, जिसका प्लॉट है वो मकान तो बनाएगा ही, आज नहीं तो कल बनाएगा। आपने इतने साल हठधर्मी से किसी और का प्लॉट इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो इंसान वहाँ देखने नहीं आ रहा, उतने में सब्र करो। पर लोग भगवान से भी नहीं डरते, कर्मों से भी नहीं डरते, और बस एक खुंदक पाल के उस इंसान के प्रति कुढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे उसका मकान बनता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मकान बनेगा तो धूल भी उड़ेगी, धुआं भी उड़ेगा, सामान भी पड़ेगा, ईंट भी आएगी, क्रेशर भी आएगा, तो उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, उसी टाइम से नज़र लगाना शुरू कर देते हैं उसके निर्माण के वक्त से ही कि भाई ये बना रहा है यहाँ पे, हमें परेशान कर रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे वो इंसान लड़ झगड़ के, मना के, ये कर कर आके अपना मकान वो बना लेता है। अगर अब खुदा ना खास्ता वो मकान बहुत सुंदर बन गया, बढ़िया बन गया, क्योंकि नया मकान है तो नए मकान की बात अपनी ही होती है, तो बराबर भले ही पुराने मकान कितने ही बने हों, कितने ही अच्छे बने हों, फिर भी एक नए मकान के कंपैरिजन में वो पुराने ही लगेंगे। तो वो देख के बहुत लोग अक्सर जलन करते हैं और काली नज़र लगाते हैं, बुरी नज़र लगाते हैं, हेट्रेड से भरी हुई नज़र लगाते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें और आ जाती है कि जब आपने मकान ऐसा बनाया कि आपकी पूरी फैमिली अच्छी उसमें रह रही है तो फैमिली की संपन्नता, खुशी और एकता को देख के जलन होने लगती है। इधर अगर आपने किराए की आमदनी के लिए और मंजिलें बना ली और किराएदार भी चढ़ा दिए तो और जलन होने लगती है कि मकान भी इतना बढ़िया बना लिया, इसमें तो इसकी फैमिली भी रह रही है, किराया भी ये खा रहा है, और हमारे जो मंसूबे थे प्लॉट को इस्तेमाल करने के वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो वो जो काली नज़र बंदा लगाता रहता है हर वक्त, या एक पड़ोसी लगा रहे हैं या कई पड़ोसी लगा रहे हैं, वो हर वक्त यूँ कह लीजिए आपकी जो जीवन में जो बरकत है उसे ख़त्म कर देती है। आप इधर प्रवेश करते हो उस मकान में और इधर ही यूँ कह लीजिए कि आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। हर वक्त ज़िंदगी में जो यूँ कह लीजिए जो आपकी प्लानिंग रही है, जो इस नए मकान को लेके, इस नए मकान में शिफ्ट होके उसकी की इन्जॉयमेंट को लेके, सब ख़राब हो जाती है। ये हालांकि काली नज़र तो आपके रिश्तेदार भी लगाते हैं क्योंकि रिश्तेदारों को ये बात सबसे ज़्यादा चुभती है कि अरे फलाना ने तो अपना नया मकान बना लिया, इस सेक्टर में बना लिया, इतनी बढ़िया कोठी बना ली, खूब मौज ले रहा है, पैसे तो सब हैं इसके पास, हमें देने के लिए नहीं है, कहता है पैसे नहीं है और देखो अपना मकान बना लिया। यार दोस्त भी ऐसे ही कुड़ते हैं, जानने वाले भी ऐसे ही कुड़ते हैं,
आपके साथ काम करने वाले भी ऐसी कुड़ते हैं कि हमारी भी तनख्वाह यही है, इसकी भी यही है, और देखो मकान बनाए बैठा है, ज़रूर ये ऊपर की खाता होगा, ज़रूर कुछ और कर रहा होगा, इसे क्या ज़रूरत है नौकरी की। तो हर इंसान आज किसी ना किसी वे में आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से जलता है। और मकान एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी की भी ज़िंदगी का, बहुत बड़ी चीज़ होती है मकान, अपना मकान बनाना। और इसको देख के जलने वाले बहुत हैं, नज़र लगाने वाले बहुत हैं। तो नज़र खाली आपके मकान पे अगर लग रही है तो किसी एक इंसान की नहीं हो सकती, ये आपके पड़ोसियों की भी होगी, आपके रिश्तेदारों की भी होगी, आपके जानकारों की भी होगी, दोस्तों की भी होगी, साथ काम करने वालों की भी होगी। और जब ये काली नज़र लगती है तो मकान में एंटर होने के बाद ही कुछ ही महीनों में लॉसेस शुरू हो जाते हैं। आपको अचानक से यूं कह लीजिए कि जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। सॉरी, जब उस मकान में आप रहते हो, उसको बरतते हो, तो आपको वो फील नहीं आती कि अपने घर वाली, ऐसा लगता है कि मकान मकान ही है, एक बिल्डिंग ही है जिसे आप यूज़ कर रहे हो, आपको वो अपनापन फील ही नहीं होता। एंड जो लॉसेस होते हैं वो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, एंड उसी मकान में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलेश शुरू हो जाता है। जो आपने परफेक्ट पिक्चर अपने लिए बुनी थी, बनाई थी उस मकान में रहने की, उस मकान में हम ये करेंगे वो करेंगे, ये इसका कमरा होगा उसका कमरा होगा, ये होगा वो, सब कुछ नहीं हो पाता, बल्कि उसका उल्टा ही होने लगता है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा है कि मकान ख़राब होना शुरू हो जाता है, नया मकान में ही सीलन आनी शुरू हो जाती है, नए मकान में ही दीमक आनी शुरू हो जाती है, नए मकान में ही ऐसी जो है यूं कह लीजिए कमी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन देखने को मिलती है। आप जब उस मकान को बरतते हो, या तो पेंट ख़राब होना शुरू हो गया, या फिर नलकों में पानी नहीं आ रहा, या कोई ना कोई और ख़राबी हो गई, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ख़राब होने लग गए। हालांकि ये सारी चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटी के भी लक्षण होते हैं, जहाँ भूत प्रेत ज़्यादा होते हैं वहाँ भी ये लक्षण होते हैं, पर नज़र में भी ये लक्षण काम करते हैं। नज़र इतनी गंदी होती है कि ये दीवारों तक में दरारें पैदा कर देती है, क्योंकि कोई भी बंदा जो जीवित अवस्था में भी आपके प्रति एक नेगेटिव सोच रखे हुए है, हेट्रेड रखे हुए हैं, जलन रखे हुए हैं, और वो उसी नेगेटिविटी को आप पे छोड़ रहा है, आपकी तरफ बात कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है, आपके विषय में नेगेटिवली सोच रहा है, आपके घर को नेगेटिवली देख रहा है, जलन करते हुए देख रहा है, तो वो एनर्जी जो होती है कहीं ना कहीं जाती है, और वो जब आपके निमित्त भेजी गई है तो आपके पास आएगी ही आएगी। इसमें अगर उसने किसी तांत्रिक का सहारा नहीं लिया, वो खुद की नेगेटिव एनर्जी आप पे छोड़ रहा है, खुद की ईर्ष्या आप पे छोड़ रहा है, तो वो भी वर्क करेगी। और बहुत लोग तो काली नज़र लगाते तो हैं ही, नज़र के लगाते लगाते बदले की जलन की भावना में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं मकान में। इधर आप मकान में शिफ्ट हुए हो, आपको गेट पे कभी कुछ डला मिलेगा, कभी चौक में कुछ डला मिलेगा, तो उनको यही एक वो होती है कि इस इंसान को परेशान करना है, जीना हराम करना है, इसके मकान का जो उत्तम मकान का जो सुख है वो इससे छीनना है, और वो बस इसी काम में लगे रहते हैं, किसी न किसी परेशानी में, कि कोई ना कोई ऐसी परेशानी पैदा की जाए कि ये मकान बेच के भाग जाए, या ये मकान हमें दे दे, या सस्ते दामों में ही हमें मिल जाए, या अगर ये यहाँ रहे भी तो इतना दुखी रहे कि हम खुश हो सकें देख के कि देखो ये आ तो गया, यहाँ ये परेशान है, और वैसे भी परेशान करते रहते हैं आपको, कहीं पार्किंग को लेके, कहीं किसी और बात को लेके। तो अब मेन बात आती है कि इस नज़र को हटाया कैसे जाए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, और कोई महाशय काली नज़र घर पे लगी कैसे हटाए, उनके इस विषय में भी कमेंट में अक्सर पूछ रहे थे, तो मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली मेरी धुनी जलाते रहो, चाहे आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाओ, चाहे प्लैटिनम धुनी जलाओ, कितनी ही पुरानी काली नज़र हो कटती जाएगी, दूर होती जाएगी। और जो भी लोग वो नज़र भेज रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे जानकार हैं, चाहे कलीग हैं, चाहे पड़ोसी हैं, वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। वो सारी एनर्जी जितनी भी नेगेटिव उन्होंने छोड़ी है वो सब का नाश हो जाएगा, वो सारी नज़र वापस जाएगी, और जिसके पास वापस जाएगी, जिसने भेजी होगी उसके पास, और अपने आप वो खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा।
तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली धुनी 2 से 3 टाइम जलानी है, घर के हर कोनों में दिखाना है, हर रूम में धुनी दिखानी है, आगे पीछे दिखानी है, चौक में दिखानी है, छत पे दिखानी है, हर जगह धुनी दिखा के आपको अपने मेन गेट के पास या अपने बरामदे में या ओपन एरिया में धुनी रख देनी है। फ्लैट में रहते हो तो बालकनी में रख देना है। अपने आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जी लोग छोड़ रहे हैं वो सब दूर हो जाएगी। चाहे आपका मकान नया है और आप परेशानी झेल रहे हो तो भी ये फ़ायदा तो देगा ही देगा, साथ में अगर पुराना मकान है तो भी फ़ायदा देगा, क्योंकि कई दफ़ा लोग 10-20 साल तक उस नज़र को झेलते रहते हैं, रहते रहते हैं उस मकान में और ये समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र नहीं आती, भूत प्रेत नहीं दिखाई दे रहे होते घर के अंदर, कोई साए नहीं दिखाई दे रहे होते, पर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते रहते हैं कि काम नहीं चल रहा, घर खराब होता जा रहा है, घर में कलेश है, जी भर के बीमारी है, फाइनेंशियल क्रंच है। एंड फ्रॉम द डे वन दे हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि पहले दिन से ही अचानक से लॉसेस शुरू हो गए ना जाने क्यों, और कोई पैरानॉर्मल चीज़ भी नहीं दिखाई दी, भूत प्रेत भी नहीं दिखाई दे रहा तो भी ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ नज़र का खेल होता है, बुरी नज़र का खेल होता है, और कभी कभी इसमें टोने टोटके का हाथ होता है, जहाँ पे अगर उन्होंने नेगेटिविटी नहीं छोड़ी तो ऐसे ही टोटके कर दिए, इस तरीके की चीज़ें वो कर दी या इस तरीके की निगाह डाल दी मकान पर कि एक टोक लग गई आपकी बरकत पर और मंगल कार्यों पर, तो हर चीज़ का नाश हो जाएगा जो भी किसी की द्वारा छोड़ी गई है, चाहे वो नज़र है, चाहे टोक है, चाहे हाय है। बस आप धुनी जलाते रहिए, चाहे आपको लाइफ टाइम धुनी जलानी पड़े, आप ये समझ लीजिए चाय की पत्ती भी तो हम हर महीने लेके ही आते हैं, अगर आपके समस्त दुश्मनों का नाश होता रहता है मात्र सिर्फ 2 बारी या 3 बारी धुनी घर में मेरी जलाने से, तो और क्या चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी बंदा आपकी तरफ़ देखना भूल जाएगा, क्योंकि वो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगा कि जब जब मैं इसके बारे में बुरा सोचता हूँ, जब जब मैं इसका बुरा करता हूँ, जब जब मैं इसके खिलाफ़ कोई वो करता हूँ, तब तब मेरा बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ देर सवेर आपके दुश्मनों को रियलाइज़ होने लगेंगी, अपने आप वो आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे। तो आई होप जिनका भी सवाल था कि घर पे काली नज़र लगी कैसे हटाए, उन्हें जवाब मिल गया होगा, और मैंने ये भी आपको समझा दिया कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे ये वर्क करता है और किस किस तरीके के लोग क्यों इस नज़र को लगा सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आप पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी आपको मिलती रहे। एक बात और कहूँगा, लोग अक्सर काली नज़र घर पे ताकि ना लगे उसके लिए मेरे से घर का कवच भी लेते हैं, बहुत लोगों को घर का कवच मैंने दिया है जो वो अपने मेन गेट पे लगाते हैं, यहाँ पे जो आपका मेन गेट वो वाला मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से आप अपने ड्राइंग रूम में एंटर करते हो, जो बिल्कुल बाहर मेन गेट है लोहे का, मैं उसकी नहीं कह रहा, लोहे या स्टील का, मैं आप चाहो तो उस पर भी इस कवच को लगा सकते हो और चाहो तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, अंदर का जो आपका वुडन डोर होता है जहाँ से आप एंट्री लेते हो अपने ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पे भी आप इसको टांग सकते हो। तो ये भी जो मैं डोर कवच देता हूँ ये भी रक्षा करता है, जो भी नेगेटिव वाइब्स नेगेटिव एनर्जी लेके आपके घर में प्रवेश करता है तो उस चीज़ को ये रोकता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं मेरे से लेके, अभिमंत्रित ही आएगा आपके लिए, और रेगुलरली आप धुनी करते रहिए, हमेशा आपका बचाव होता रहेगा। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी, आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करें या मोबाइल नंबर 9625911182 पर संपर्क करें। आप होम कवच की यानी कि डोर कवच की भी इंक्वायरी इस नंबर पे कर सकते हैं। आप अपने लिए लॉकेट या कवच भी ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपकी रक्षा हो। अगर आपको होम कवच चाहिए हो तो क्लियरली लिखिएगा डोर कवच या होम कवच, ताकि क्योंकि एक बॉडी का कवच भी आता है वो अलग है और डोर कवच या होम कवच अलग है। डोर कवच एंड होम कवच इज़ द सेम थिंग, ये घर की प्रोटेक्शन के लिए है एंड बॉडी का कवच इज़ फॉर योर बॉडीज़ प्रोटेक्शन, तो आप वो भी मंगा सकते हैं, अभिमंत्रित ही आएगा या आपके निमित्त होके। आप ईमेल पे अपनी कोई भी परेशानी लिख के व्यक्त कर सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।